हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के बारे में कि जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आज आपको किस फील्ड में सफलता मिलेगी, नौकरी का क्षेत्र क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे या सरकारी सेक्टर में, आप व्यवसाय करेंगे या नौकरी करेंगे या इंडस्ट्री लगाएंगे, सारी बात आज हम आपको बताने वाले हैं। और आज आपकी उपलब्धियाँ क्या होगी ये भी बताएंगे। आज आपको सावधानियाँ क्या बरतना है, उपाय क्या करना है, ये सारी बातें बताएंगे। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आज आपके लिए शुभ अंक क्या होगा, शुभ रंग क्या होगा। यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। यदि आपके मन में ज्योतिष से संबंधित कोई भी जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप क्या करें कि अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिख करके भेजें इनबॉक्स में जाके, ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में कि जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए थोड़ा सा आज का दिन सचेत रहने की जरूरत है। आज अपने आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, खड्यंत्रकारी सक्सेस हो सकते हैं, तो आज आपको थोड़ा सा भी केयरफुल रहना है और सोच समझ करके निर्णय लेना, अपनी प्राइवेसी को, अपनी गोपनीयता को बनाए रखना है, उजागर करके कोई कार्य नहीं करना, नहीं तो आपका कार्य होते होते रह सकता है। आज आपको फाइनेंस के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। यदि आप शेयर ट्रेडिंग इत्यादि का काम करेंगे तो उसमें आज आपको सफलता मिलेगी। यदि मैनेजमेंट के फील्ड में कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। रोग और शत्रु परास्त होंगे, दूर देश की यात्रा का योग बन रहा है, आयात निर्यात से आज आपको लाभ मिलते हुए दिख रहा है। नए तरह के कार्यों से मन प्रफुल्लित रहेगा और सरकारी धन लाभ होते हुए दिख रहा है, सरकार से लाभ मिलेगा और जो आपकी पुरानी परेशानियां हैं सब दूर होंगी। नए तरह के कार्य होने से मन आपका प्रफुल्लित रहेगा, रोज नए तरह के कार्य हो सकते हैं, इसके लिए भी आज का दिन काफी अच्छा है। अपने जो बात आपको खराब लगता है उस तरह का व्यवहार आप दूसरों के साथ न करें। कीमती सलाह से पैसा कमाएंगे। यदि आप लेखक हैं, साहित्यकार हैं या फिल्मकार हैं या कोई आर्टिस्ट हैं तो आज के लिए आपका दिन बहुत बढ़िया। आज आपको अभ्यास करना चाहिए, अच्छे लेवल पर लग करके अपने फील्ड में लग जाइए, आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी और लिखने से धन लाभ मिलेगा, आज आप पुरस्कृत भी हो सकते हैं, उसके लिए भी बहुत ही बेहतरीन समय आपका चल रहा है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, पत्नी का सहयोग मिलेगा, बच्चों की प्रगति से मन आपका प्रसन्न रहेगा और चतुर्दिक आपको अपॉर्चुनिटी मिलने की भी संभावना बन रही है, जिससे आपको काफ़ी सफलताएं मिलेंगी और मन प्रसन्न रहेगा और आध्यात्मिक विकास होगा, आध्यात्मिक लाभ होगा और यात्रा से भी आज आपको लाभ होते हुए दिख रहा है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि अपने एकाग्र होकर के टारगेट फिक्स करके अगर कार्य करें तो आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। उपाय क्या करना है, आप क्या करें कि गौशाला में जाके हरा पालक या चारा गैया को, गाय को खिलावें, आपके लिए अच्छा रहेगा और कबूतर को बाजरा खिलाना ना भूलें। आपके लिए शुभ अंक है 6 और शुभ रंग है ग्रीन। हरे कृष्ण।